जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसियों के बारे में, जो अभी तक वो आने वाली हैं। अभी फ्यूचर के अंदर वो जो टोटल वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, वो कितनी वैकेंसी आने वाली हैं? 6,000+ वैकेंसी आने वाली है, यानी 6,400+ है वो वैकेंसी है वो आने वाली हैं। ठीक है, 6,400 के समथिंग लगभग वो वैकेंसी आने वाली हैं। और अगर बात करें कब से फॉर्म स्टार्ट होंगी और कब है वो नोटिस जारी होगा, ऑफिशियल नोटिस कब जारी होगा, और है वो इसमें क्या एज रहेगी, सभी बातें हम इसी इस वीडियो के अंदर करेंगे। सर्वप्रथम बात करें आपकी जो एज है, एज की बात करें तो एज है वो आपकी 18 से 25 रहने वाली है जनरल के लिए। ठीक है, 18 से 25 है वो जनरल के लिए रहने वाली है। और ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, तो 18 से ओबीसी की होती है, 18 से आपकी हो जाएगी 28 साल। और SC ST वालों की कितनी होती है, 5 साल की छूट होती है उनको, तो उनकी हो जाएगी 18 से 30 साल है उनकी एज है वो रहने वाली है। और फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जो नोटिस है वो कब जारी हो जाएगा, यानी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपका, यानी आपका अप्रैल के समथिंग है वो, यानी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी होगा। 6,400 के समथिंग जो वैकेंसी है वो आने वाली है दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, यानी ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के समथिंग है, आपका नोटिस है वो ऑफिशियल हो जारी हो जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप अपने यूट्यूब इसी चैनल पर हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, है वो कि एज है वो कहाँ से काउंट होगी और कितने वैकेंसी हैं और फॉर्म है वो कब से भरी जाएंगी, सभी बातें हैं वो हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट बात करें आपके जो, यानी जो एग्ज़ाम होगा या फिजिकल, ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मतलब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पहले हम अब की बार दिल्ली पुलिस ही वो इसको सिलेक्शन प्रोसेस है वो मतलब प्रोसेस करवाएगी सिलेक्शन का, लेकिन फिर वो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली बोर्ड है दिल्ली पुलिस का, फिर उन्होंने फिर वापस वो मना कर दिया कि जो अब की बार है जो SSC ही आपका जो, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो जारी रखेगी, यानी SSC के थ्रू ही आपका हो क्या होगा, आपका ये पहले एग्ज़ाम होगा फिर आपका फिजिकल होगा। यानी आपका दिल्ली पुलिस करवाती तो पहले, जैसे दिल्ली पुलिस बोर्ड करवाती तो पहले आपका फिजिकल होता था, फिर आपका एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम, फिर मेडिकल होता था, लेकिन अब की बार फिर SSC करवाएगी, यानी पहले आपका क्या होगा, एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें जो फिजिकल में है, फिजिकल में आपको पूरी 6 मिनट मिलती है 1600 की, 1600 मीटर की पूरी 6 मिनट है वो मिलती है। ठीक है, और इसमें ऊंची कूद और लंबी कूद होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, यानी आपका अब की बात है जो SSC आपका एग्ज़ाम हो कंडक्ट करवाएगी, तो यानी आपका इसमें कोई इश्यू नहीं है कि इसमें पहले आपका दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम ही होगा, यानी आपका फिजिकल नहीं होगा बल्कि एग्ज़ाम ही पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि पहले दिल्ली बोर्ड है वो, यानी SSC से पहले जो दिल्ली पुलिस जो बोर्ड है वही जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें पहले फिजिकल करवाती थी फिर रिटर्न एग्ज़ाम करवाती थी, फिर दिल्ली पुलिस ने जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो SSC को दिया था, और फिर SSC ने पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया फिर आपका फिजिकल हुआ, यानी अब की बार भी SSC आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी, यानी पहले आपका एग्ज़ाम होगा फिर आपका आपका फिजिकल होगा। और आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड क्लासेज है वो भी इसी चैनल पर मिलेंगी, और दिल्ली पुलिस की भी क्लासेज अब स्टार्ट करेंगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी क्लासेज है वो स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एंड जय हिंद।